हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र की लोनार झील का पानी हुआ गुलाबी, विशेषज्ञ हैरान। महाराष्ट्र की लोनार झील के पानी का रंग रातों रात बदल कर गुलाबी हो गया है। विशेषज्ञ इसकी वजह लवणता तथा जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे हैं। झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुलढाणा जिले में है। यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भी इस झील में बहुत दिलचस्पी है। करीब 1.2 किलोमीटर के व्यास वाली झील के पानी की रंगत बदलने से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रकृतिविद और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब झील के पानी का रंग बदला है, लेकिन इस बार यह एकदम साफ नजर आ रहा है। लोनार झील संरक्षण एवं विकास समिति के सदस्य गजानन खराट ने बताया कि यह झील अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है। इसका पानी खारा है और इसका पीएच स्तर 10.5 है। उन्होंने कहा कि जलाशय में शैवाल है। पानी के रंग बदलने की वजह लवणता और शैवाल हो सकते हैं। खराट ने बताया कि पानी की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं है। ईरान की एक झील का पानी भी लवणता के कारण लाल रंग का हो गया था। उन्होंने बताया कि लोनार झील में जल का स्तर अभी कम है क्योंकि बारिश नहीं होने से इसमें ताजा पानी नहीं भरा है। जल स्तर कम होने के कारण खारापन बड़ा होगा और शैवाल की प्रकृति भी बदली होगी। औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रमुख डॉक्टर मदन सूर्यवंशी ने कहा कि जिस बड़े पैमाने पर पानी का रंग बदला है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इसमें मानवीय दखल का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी में मौसम के मुताबिक बदलाव आता है और लोनार झील में भी मामला यही हो सकता है। अगर हम एक हफ्ते में वहां जा सकते हैं तो बदलाव की जांच कर पाएंगे, तभी इसके बारे में कुछ और बता सकेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।